भगवान के तीन बड़ल्ले बच्चे हैं। There are three elder children of God. वैसे तो 33 करोड़ देवताएं हैं। As such, there are 330 million deities. लेकिन उनमें एक ही ऐसा देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं और मनुष्य भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। But there is only one such deity among them whom the demons, the human beings, as well as the deities accept. सब में उसकी मान्यता है। Everyone accepts him. क्या? What? वो मुखिया है या परिवार का या नहीं? तो मुखिया कैसा होना चाहिए? Is he the chief of the family or not? Students, he is. So how should the chief be? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकलंग तुलसी सहित बिबे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? हाउ शुड द चीफ बी? है मुख की तरह होना चाहिए। ही शुड बी लाइक द माउथ। सब प्रकार की चीजों को खाता है यही मुख। इट इज ओनली द माउथ दैट ईट्स एवरीथिंग। लेकिन ये जो मुख खाता है क्या सिर्फ आंख को ही ताकत देता है? बट व्हाट द माउथ ईट्स डज इट नरिश ओनली द आईज? कान को ही ताकत देता है क्या? डज इट नरिश ओनली द इयर्स? ज्ञानेंद्रियों को ही ताकत देता है? डज इट नरिश ओनली द सेंस ऑर्गन्स? ज्ञानेंद्रियां सुखदाई कर्म करने वाली हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो उनको ही पावर देता है। द सेंस ऑर्गन्स परफॉर्म जॉय गिविंग एक्शंस, दे आर द एलिवेटेड ऑर्गन्स, सो डज इट गिव पावर ओनली टू देम? या बेस्ट इंद्रियों को भी पावर देता है? और डज इट गिव पावर टू द करप्ट इंद्रिया एज वेल? पावर तो सबको देता है। इट डज गिव पावर टू ऑल। जिंदा रहने का हक सभी को है या कोई को है कोई को नहीं? Does everyone have the right to stay alive or do some have it and some don't? है? सबको है। Students, everyone has it. Everyone has it.